हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 फिट बाई 35 फिट प्लॉट की प्लानिंग के बारे में। ये फ्रेंड्स जो हमारा प्लॉट था, ये हमारा काफ़ी बड़ा प्लॉट था। हमने उसमें चारों तरफ से सेटबैक छोड़ के उसके सेंटर पार्ट में हमने ये अपना कंस्ट्रक्शन एरिया निकाला हुआ है, तो और इसमें हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो विंडोज़ होंगी अपने इस हाउस डिज़ाइन की, वो चारों तरफ होंगी। हम चारों तरफ किसी भी साइड में अपने हाउस डिज़ाइन की विंडो दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिज़ाइन है, इसमें हमारा जो मेन रोड है वो वेस्ट साइड में मेन रोड है, वेस्ट साइड से हमारी मेन एंट्री है। और ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है, यदि हम इस एरिया के लिए स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं, तो ये हमारा 875 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा एक विलेज और सिटी दोनों को ध्यान में रखकर हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ से मेन एंट्री रखी हुई है, जो कि हमारी 5 फीट वाइड की मेन एंट्री है। जैसे इसमें हम एंटर करेंगे, तो हमने यहाँ पर स्टेयरकेस रखा हुआ है, और स्टेयरकेस के जस्ट नीचे हम दो बाइक की पार्किंग दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ, जो कि हमारा 4 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का हमारा टॉयलेट है। और यहाँ पर हमने बाथ डिज़ाइन किया हुआ, जो कि हमारा 4 फीट बाई 5 फीट का हमारे बाथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे अपने घर की सेकंड एंट्री होगी, जो कि हमने नॉर्थ डायरेक्शन से रखी हुई है। नॉर्थ डायरेक्शन से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमने गेस्ट रूम डिजाइन किया हुआ, जो कि हमारा 10 फीट 9 इंच बाई 13 फीट 6 इंच का है, जिसमें मैंने एल शेप में सोफा रखा हुआ, बीच में टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने टीवी स्टैंड डिजाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये जो हमारा गेस्ट रूम है, इसमें मैंने ये 5 फीट वाइड का एक विंडो लगाया हुआ है इधर साइड में, और एक मैंने 5 फीट वाइड का विंडो मैंने इधर साइड में लगाया हुआ है, जिससे हमारे इस गेस्ट रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा और इस गेस्ट रूम के अंदर नेचुरल लाइट भी आती रहेगी। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमने ये आर्क ओपनिंग रखी हुई है, इसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लॉबी में एंटर करते हैं। और लॉबी का फ्रंट जो साइज है, वो हमारा 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का है, जिसमें हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, जिसमें बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने किचन डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 7 फीट बाई 10 फीट का है, जिसमें मैंने यहाँ फ्रेंड स्टोव रखा हुआ है, ये हमारा सिंक है, और मैंने अपने इस किचन में यहाँ विंडो लगाया हुआ है, जिससे हमारे किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकता है। और यहाँ हमने एक स्टोर रूम डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 6 फीट बाई 4 फीट 8 इंच का हमारे स्टोर रूम है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेडरूम है, जो कि हमारा 11 फीट 8 इंच बाई 10 फीट का हमारे बेडरूम है, जिसमें मैंने यहाँ बेड रखा हुआ है। ये हमारा टीवी स्टैंड है, और ये हमारा इस बेडरूम के लिए कवर्ड है। और मैंने फ्रेंड्स इस बेडरूम में यहाँ यहाँ 5 फीट वाइड का विंडो लगाया हुआ है, जिससे हमारे इस बेडरूम के लिए नेचुरल लाइट मिलती रहेगी और इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। और मैंने सेकंड बेडरूम यहाँ डिजाइन किया हुआ, जो कि हमारा 12 फीट 3 इंच बाई 10 फीट का है, जिसमें मैंने यहाँ बेड रखा हुआ है। ये हमारा कवर्ड है, और ये हमारा टीवी स्टैंड है। और फ्रेंड्स, मैंने इस बेडरूम के लिए एक अटैच टॉयलेट बाथ कंबाइंड रखा हुआ है, जो कि हमारा 6 फीट बाई 5 फीट का है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉयलेट और बाथ होगा, ये हमारा कंबाइंड ही है। इसके अंदर हम बाथिंग एरिया है, और इसी के अंदर हमारा टॉयलेट सीट है। और मैंने अपने इस बेडरूम में भी 5 फीट वाइड का विंडो लगाया हुआ, जिससे हमारे इस बेडरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है। यदि फ्रेंड्स आप फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर को भी आप इसी डिज़ाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टेयरकेस रहेगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा, जिसमें हम अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ निकलेंगे। तो इसके बाद भी यदि हमें फर्स्ट फ्लोर बनाना है, या फिर सेकंड फ्लोर बनाना है, या थर्ड फ्लोर बनाना है, तो हम इसी डिज़ाइन के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा आपका डिज़ाइन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।